प्राचीन काल की ऐतिहासिक अचलपुर सिटी जो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में है। अचलपुर सिटी में मुगलों के दौर में राजधानी थी। भारत के नक्शे पर अचलपुर का नाम देख सकते हैं। वैसे इसका इतिहास तो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन हम मध्य युग शासन से जानकारी देते हैं। अचलपुर पर हुकूमत 1994 से 1320 खिलजी की हुकूमत की, उसके बाद निजाम शाही घराना की हुकूमत 1575 से 1596 तक रही। मुगल काल 1596 से 1724 की हुकूमत रही। आशिप जाही 1724 से 1833 हुकूमत की रही। अचलपुर के नवाबों की हुकूमत 1764 से 1775 तक रही है। इनके बाद भी कई हुकूमतें आई और चली गई। 1853 से लेकर 1947 ब्रिटेन शासन अंग्रेजी शासन रहा। स्वतंत्र भारत 1947 से प्राचीन नाम अचलपुर के सबसे पहले नाम अलकनजी, दूसरा नाम था उड़लकापुर, तीसरा नाम था अड़चपुर, उसके बाद इलिचपुर और फिर इलिचपुर। इसी तरह अचलपुर 5 बार नाम बदले गए और अब इसका नाम अचलपुर है। इस ऐतिहासिक अचलपुर सिटी की जानकार लेखक व साहित्यकार सैयद गुलाम अली मास्टर अचलपुर ने हमारे रिपोर्टर रियाज शेख को विशेष भेंट में जानकारी दी है। नमस्कार, INN24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। महाराष्ट्र अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अचलपुर शहर जो ऐतिहासिक शहर है, जहाँ ऐसे धरोहर है कि आपके देखने के बाद आप आश्चर्यजनक हो जाएंगे। चिकलदरा एक हिल स्टेशन है जो विदर्भ की मिनी कश्मीर के नाम से पहचानी जाती है, जाने जाती है, वो हिल स्टेशन है। लेकिन इस हिल स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को और टूरिस्टों को ये पता नहीं कि अचलपुर में ऐसे ऐतिहासिक धरोहर है कि जो देखने के बाद इंसान आश्चर्यजनक हो जाता है। ये अचलपुर का ईदगाह ग्राउंड है, जहाँ ईद के समय रमज़ान ईद हो या बकरीद ईद हो, उस समय यहाँ पूरे शहर अचलपुर के लोग आकर नमाज को अदा करते हैं। और एक ये ईदगाह भी एक ऐतिहासिक ईदगाह है, जो वर्षों पुरानी ईदगाह मानी जाती है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार ये आप जो ऊपर वो देख रहे हैं मीनार, ये मीनार को किसी ज़माने में वहाँ से तोप से उड़ा दिया गया था और फिर उसके बाद उसकी मरम्मत यहाँ की पंच कमेटी ने की है। बताया जाता है कि ये जो कुआं है, इस कुएं में पानी की गहराई है और यहाँ श्रद्धालु आके नहाते हैं। इस पानी से काफ़ी बीमारी दूर होती है और यहाँ आए दिन भक्तों का तौता लगा रहता है। बीमारी होती है वो कपड़े से नहाने के बाद में, वो उन पुराने कपड़ों को इन पेड़ों से लटका दिया जाता है। ऐसा मानना है कि इन कपड़ों को धोने नहाने के बाद में इस पेड़ पर और इस झाड़ियों पर डालने के बाद इनकी बीमारियां दूर हो जाती है। इस एरिया में पानी का बहुत बड़ा तालाब जैसा रहता था और यहां कमल के फूल खिलते थे इस हाउस कटोरे से बिल्कुल लगकर, लेकिन अब ये आजकल सूख गया है। यहां बादशाह सलामत बैठकर देखते थे अपनी खेतियों को। हैदराबाद के निज़ाम सरकार के गवर्नर रह चुके इस्माइल खापनी साहब, जिन्होंने ये परकोट से लेकर यहाँ जितनी ऐतिहासिक चीज़ें देख रहे हैं आप, उन ऐतिहासिक चीज़ों को उन्हीं ने निर्माण करवाया था। आज हम बेवा बाग में हैं, बेवा बाग की उस इमारत में हैं, उस गुम्बद में हैं, जो आपने इको साउंड तो सुना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक में बनाया गया है, लेकिन हम आपको ऐतिहासिक और पुराना एक इको साउंड सुनाना चाहते हैं INN24 के माध्यम से। वो इको साउंड जिसको ना किसी इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है, ना किसी तार की, ना किसी वायर की, ये इको साउंड अपने आप में एक ओरिजिनल इको साउंड है। मैं हमारे कैमरामैन साहब से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे साथ आए और इको साउंड जो नेचुरल इको साउंड है वो आपको हम दिखाएं। ये दरगाह इस्माइल पनीर खां साहब की है। अब देखिए इको साउंड जो अपने आप इस इको साउंड निकल रहा है, इसकी विशेषता, इस गुम्बद की विशेषता है इको साउंड। देखिए यहाँ कोई इको साउंड सिस्टम नहीं है, ये कुदरत इको साउंड है। इस गुम्बद को बनाया गया है और इसमें बहुत अच्छी तरीके से नक्श किया गया है। माइल खां पनी के शासन में बनाई गई है, पुर्तगाल से संबंधित ये दरगाहें, ये नक्श
जो बेहतरीन अपने आप में एक नक्श है जो आज के दौर में नहीं बनाया जा सकता। अचलपुर का ये बेवा बाग जो सरमस्तपुरा स्थित एक कब्रस्तान भी है, ये अंश जो हमें आज देखने को मिल रहे हैं, ये बेवा बाग जहाँ एक ऐसा गुम्मत जो अपने आप में एक बेमिसाल है, और आज के इको साउंड जो आप देखते हैं वो पुराना इको साउंड की तरह उसी गुम्बज में आवाज़ निकलती है। ये कुदरत का एक करिश्मा है, कुदरत की का एक कमाल है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में बनाई गई इमारत की आज भी कोई मिसाल कायम नहीं कर सकता है। हम अचलपुर के उस बेबा बाग में हैं जहां एक रहस्यमयी कई ऐसी इमारतें बनाई गई है, ऐसी चीज़ें बनाई गई है जैसे गुम्बद हो गया और सफीले हो गई, बहुत सारी नक्शबंदी जो हमने आपको दिखाया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अचलपुर एक ऐतिहासिक शहर रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे साहित्यकार बनकर निकले हैं और आज भी मौजूद हैं। हम बियाबानी क्षेत्र में हैं, जो बियाबानी एक दुलदुल घोड़े के नाम से भी जाना जाता है। वहीं के एक साहित्यकार जिनका नाम सैयद गुलाम अली साहब बियाबानी, डॉक्टर सैयद साहब के वालिद, उन्हें काफ़ी अचलपुर की ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में पता है। हम उन्हीं के पास आज उन्हीं से बात करने के लिए आए हैं, जो अचल पेशे से HM रह चुके हैं, टीचर रिटायर हो चुके हैं अमरावती से। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका IN24 में आपका स्वागत है। आइए, आज हम अचलपुर की प्राचीनता के बारे में विवरण पेश करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अचलपुर का विवरण पेश करें, उसके संदर्भ ग्रंथ हवाला जाति किताबों पर रोशनी डाली जा रही है कि हमने किन किताबों का अध्ययन करके अचलपुर की ये प्राचीनता का पूरा इतिहास आपके सामने जो पेश किया जा रहा है, तो कौन सी किताबों से आपको पेश कर रहे हैं। तो संदर्भ ग्रंथ में सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट गैजेटियर अमरावती डिस्ट्रिक्ट, ये गैजेटियर अंग्रेजी ज़माने में जो भी बड़ा अधिकारी ज़िला लेवल के ऊपर कलेक्टर कमिश्नर अपॉइंट किया जाता था तो उसको ये किताब दे दी जाती थी। इसमें अलिफ से लेकर तो ये तक A to Z इंसान की पैदाइश से मौत तक यहाँ के जितने बाशिंदे हैं, करोड़ों बाशिंदे, उन सब का यहाँ पर मजहब का, कफन दफन का, शादी ब्याह का, सारी मालूमात इस महाराष्ट्र स्टेट गैजेटियर के अंदर पहले अंग्रेज दिया करते थे। अमरावती डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर दर्ज कर दी जाती थी, कलेक्टर कमिश्नर इसको पढ़कर पूरी हुकूमत अपना चलाते थे। तो इसमें सारी मालूमात A to Z इसमें दर्ज है। एक तो हमने इस ग्रंथ का मुताला किया, स्टडी किया, और उसके बाद अचलपुर की प्राचीनता पर आपसे अभी गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद दूसरा, यादव माधव काळे मराठी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी वराड़ाचा इतिहास। इसमें वराड़ का पूरा इतिहास मशहूर है, यहाँ के बादशाह, यहाँ के नवाब और यहाँ के जितने भी मुकामात हैं उनके बारे में भी इसके अंदर मालूमात है। यादव माधव काळे, ये 1905 में छपी यादव माधव काळे ने छापा था, तो इसका भी हमने अध्ययन कर लिया है संपूर्ण। और एक किताब तारीख है अमजदी, ये खतीब अमजद हुसैन साहब ने लिखा था फारसी जबान में, जिसका एक किताब सालार जंग म्यूजियम के अंदर है, फारसी में थी, उसको हमारे सामने पेश किया गया। उसका तर्जुमा भी इन्होंने खुद उर्दू में किया था, और अभी वो उनके हाथ का लिखा हुआ मखतूता था, लेकिन बाद में बोर्ड ऑफ एडिटर्स बनाकर खतीब सैयद अबरार हुसैन साहब ने उस किताब को भी शाये किया, तारीख अमजदी। ये खतीब अमजद हुसैन साहब की फारसी में लिखी हुई किताब का उर्दू ट्रांसलेशन है, जिसमें यहाँ के 4 लोग लिए गए थे बोर्ड ऑफ एडिटर्स में, जिसमें मैं भी शामिल था। और ये किताब का भी अध्ययन करने के बाद आपको अचलपुर की मालूमात दी जा रही है। हाँ, अचलपुर एक बहुत पुराना शहर है,
प्राचीन सिटी है। ये शहर पौराणिक गाथाओं से लेकर आज तक तकरीबन 10,000 साल पुराने इतिहास को अपने अस्तित्व में वजूद में समेटे हुए है। प्राचीन काल के अलावा यहाँ मध्य युग में खिलजी, तुगलक, बहमनी, इमादशाही, निज़ामशाही, मुगल बादशाह आसिफ शाही ख़ानदान, अचलपुर के नवाब इस्माइल खां पनी, सलावत खां, नवाब नामदार खां, नवाब इब्राहिम खां वगैरह ने अंग्रेजी काल तक बड़े दबदबे के साथ हुकूमत की है। बादशाहों और नवाबों के काल की कई यादगारें आज भी यहां कायम हैं, जिनका संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत किया। अब चौथा मुकाम ईदगाह। अचलपुर की खूबसूरत और सुंदर ईदगाह सुल्तानपुरे के करीब कायम है, जिसे बादशाह मोहम्मद तुगलक के दामाद इमादुल मुल्क के मुशीर सरतेज कमान ने 748 हिजरी मुताबिक 1347 ईस्वी में बनाई थी। बाद में मीर महबूब अली खां आसिफ जाह के ज़माने में जमदतुद्दौला ने मोहम्मद अजीज़ुद्दीन की मदद से इसकी मरम्मत फरमाई, जहां शहर और आसपास के मुसलमान कसीर तादाद में ईद रमज़ान और बकर ईद की नमाज अदा करते हैं। इसके बाद पांचवा मुकाम जामा मस्जिद। अचलपुर के मोहल्ला किले में एक शानदार और खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद को बादशाह मोहम्मद तुगलक के दामाद इमादुल मुल्क के मुशीर सरतेज कमान ने 1347 ईस्वी में बनवाया। 1696 में बरार के हाकिम मर्दान खान ने शाह मोहम्मद बेग के ज़रिए उसकी मरम्मत करवाई और हौस खुदवाया। 1853 में नवाब हसन खान ने उसके एक गुंबद की मरम्मत करवाई, जो मस्जिद के पास मौजूद भड़कल का बारूद खाना फटने पर गिर चुका था। यहाँ शहर के मुसलमान बड़ी तादाद में नमाज अदा करते हैं। इसके बाद बेबहा बाग का विवरण पेश किया जा रहा है। बेबहा बाग अचलपुर शहर में मोहल्ला सरमसपुरे में पुरानी पुलिस चौकी के पास बेबहा बाग बहुत मशहूर जगह है। बाग में दाखिल होने के लिए एक बहुत बड़ा और शानदार दरवाज़ा है, जहां 5 वक्त नौबत बजती थी और सुबह शाम गरीबों को लंगर बांटा जाता था। यहां नवाबों की कब्रें और आलीशान गुंबद हैं। इस बाग को नवाब नामदार खां पनी ने 1840 ईस्वी में तामीर करवाया था। बड़े दरवाजे से पश्चिम की तरफ एक बहुत चौड़ी और ऊंची दीवार थी, जिसमें सुंदर बारादरी बनी हुई थी, जिसमें बैठकर अमीर उमरा और वजीर लोग बाहर का तमाशा देखते थे। अब ये बारादरी टूट चुकी है और बाग का निशान भी मिट चुका है। इसकी जगह कब्रस्तान बढ़ रहा है। एक शेर इस सिलसिले में आप समाप्त फरमा लीजिए कि जिनकी नौबत की सदा से गूंजता था आसमां दम बखुद है मकबरों में, यानी कब्रों में, जिनकी नौबत की सदा से गूंजता था आसमां दम बखुद है मकबरों में, हूँ नहा कुछ भी नहीं। ये सारे ग्रंथ जो सैयद गुलाम अली साहब के पास मौजूद है, काफ़ी पुराने कलेक्शन हैं। इन कलेक्शनों के ज़रिए जो हमें अचलपुर की माहिती और हिस्ट्री के बारे में उन्होंने जानकारी दिया, वो सारे कलेक्शन उनके पास मौजूद है। इन बॉक्स में रखी है सारी किताबें, आज तक ये सारा कलेक्शन जो अचलपुर से रिलेटेड है उसकी पूरी माहिती सर के पास है। अभी हम इस वक्त थे सैयद गुलाम अली साहब या बनी में थे, जिनको अचलपुर की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी जानकारी है, और ये HM रिटायर ज़िला परिषद अमरौती से रिटायर हुए हैं, और ये बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं अचलपुर को लेकर, और इनके पास में अचलपुर की हिस्ट्री की पूरी बहुत सारी कलेक्शन है मौजूद है। और अचलपुर की जो जानकारी दिया है सर ने, ये सत्य पर आधारित है।